देखिए गाइस, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी रेसिपी लेकर के आए हैं प्याज की रिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे बनी है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की रिंग, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो ये देखिए, दो मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं, ठीक है। ये हम एक लोगों के हिसाब से बना रहे हैं क्योंकि दोपहर में बना रहे हैं तो कोई खाएगा नहीं इतनी जल्दी, तो इस वजह से तो हम दो प्याज ले लेंगे। इसकी हम बड़े बड़े रिंग्स निकाल लेंगे, यानी छल्ले निकाल लेंगे इसके। तो चलिए इसी तरह से हम कट करके निकाल लेंगे। तो दो प्याज में से जितने निकलेंगे उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये गरम गरम सर्व करने में बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है। तो इस तरह का मीडियम थिकनेस का हम निकाल लेंगे छल्ले, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हमने छल्ले निकाल कर रख लिए हैं। देखिए, इसके बड़े बड़े गोल गोल छल्ले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये जो छोटे छोटे मीडियम के बच्चे हैं उनको आप रख लीजिए, आगे सब्ज़ी वगैरह में डालना चाहें डाल दें, ख़राब नहीं है। तो ये देखिए, हमने कुछ छल्ले निकाल के रख लिए हैं बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे कि कैसे बनना है। चाय वगैरह के साथ ये बहुत बहुत टेस्टी जाता है, एकदम क्रिस्पी रहता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमने ले लिया है कुछ गाइस बेसन, आप इसकी जगह पर मैदा भी ले सकते हैं। ट्रेडिशनली ये मैदे से बनते हैं, हम बेसन से बना रहे हैं क्योंकि मैदा हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है ना, और अभी तो होली निकली है तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे बेसन। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम सेमी थिक बैटर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बनाएंगे। तो ये बन चुका है। अब इसमें हम कुछ डालेंगे फ्लेवरफुल मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर कलर के लिए, हींग 2 से 3 पिंच क्योंकि बेसन है, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला थोड़ा सा चटपटा टेस्टी स्वाद देने के लिए, नमक टेस्ट के अनुसार। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि बेसन हमारा वो अच्छे से फूल जाए। तो ये देख सकते हैं गाइस, बेसन हमारा अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, बहुत पतला नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बस इतना। ये ले लिया हमने ब्रेड क्रम, क्योंकि हमें इसमें ब्रेड क्रम का यूज़ दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाना है। ब्रेड क्रम की वजह से बहुत क्रिस्पी और बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगा। तो चलिए देखते हैं, बैटर को देख लीजिए, इतना हमने कर रहा है कि हमारे स्पून पर कर रहे हैं तो हमारा स्पून कोड हो रहा है। तो इस तरह का हमें बैटर चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, इस तरह से फेंट लिया है हमने अच्छे से। तो अब हम अपनी रिंग उठाएंगे और इसमें डाल देंगे, डिप करेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, तो ये डिप हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे इस तरह से। और जो हमारा बैटर, जो हमारा ब्रेड क्रम रखा है, उससे हम करेंगे कोट इस तरह से। तो ये देख सकते हैं, इसे हम कर देंगे कोट। तो ये बेसन लगने की वजह से ब्रेड क्रम इसके ऊपर से अच्छे से चिपक जाएगा, जिससे कि इसका शो बहुत अच्छा आएगा, दिखने में लुकिंग में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह की सारी रिंग तैयार कर कर हम रख लेंगे। तो ये देखिए, सारी रिंग्स तैयार हो चुकी हैं। तो हमने फ्लेम पर रख दी थी अपनी कढ़ाई। एक बात और गाइस, हमारी कढ़ाई पर मत जाइएगा, क्योंकि इस समय व्रत वगैरह चल रहे थे तो अच्छे से साफ़ नहीं है कढ़ाई, थोड़ा सा आपको गंदी गंदी दिख रही होगी। तो इस वजह से ये देखिए, हम इसमें अपने सारे की सारी रिंग्स डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि देखिए व्रत वगैरह में घी का ज़्यादा खाना वगैरह बनता है, इस वजह से थोड़ी सी जल गई है कढ़ाई। तो ये देखिए, इस तरह से धीमी फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत यम्मी लगेंगे चाय के साथ। तो देखिए कलर कितना प्यारा आ चुका है। इनको हम अलग निकाल कर रख लेंगे प्लेट में, आप चाहें तो टिशू पेपर पर निकाल कर रख सकते हैं, या किचन टावल पर, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो इसी तरह से सारे बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने सारे अपने रिंग्स बना करके रख रखे हैं प्याज के, और हमने हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। तो ये चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से जाते हैं। तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, हमने मिर्च के साथ सर्व किया है। तो अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।